महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राव जेवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धारा 354, 506 समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। यौन शोषण के आरोपों के मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। दिल्ली की राव जेवेन्यू कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने ब्रजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 मई की तारीख तय की है। यौन उत्पीड़न मामले की जांच करने वाली दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून 2023 को धारा 554A, 354 और 354D और धारा 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। इससे पहले की सुनवाई के दौरान ब्रजभूषण सिंह ने अदालत को कुछ अन्य तथ्य मुहैया कराए थे और उस पर विचार करने की गुजारिश की थी। यदि किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे मामले में धारा 354 लगाई जाती है। वहीं यौन उत्पीड़न के लिए 554A और आपराधिक धमकी के लिए धारा 506 लगाई जाती है। वहीं पीछा करने के आरोपों में धारा 354D का इस्तेमाल किया जाता है। कोर्ट ने विनोद तोमर के खिलाफ 506 के तहत आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय करने के सबूत हैं। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर 6 महिला पहलवानों के द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। हालांकि कोर्ट ने 6ठी महिला पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से ब्रजभूषण सिंह को मुक्त कर दिया है। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था और काफी सियासी हंगामा भी मचा था।